लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या दो पैसे की पांच गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उससे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ
जो पुराने नहीं होते अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जावेगा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे? धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वह उसकी बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं? केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी सकेति में रहूंगा? क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं, नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में पांच जन आपस में विरोध रखेंगे, तीन दो से और दो तीन से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, मां बेटी से और बेटी मां से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। और उसने भीड़ से भी कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है, और जब दक्षिणा चलती देखते हो तो कहते हो कि लूह चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले, ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे प्यादे को सौंपे और प्यादा तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर न देगा तब तक वहां से छूटने न पाएगा।